है हम जानते हैं कि अगर एप टी कोई फंक्शन है और अगर हमें उसका लपलस ट्रांसफॉर्म निकालना है तो लप्लस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी जो फंक्शन जिसका लपल्स ट्रांसफॉर्म निकालना है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो जो नया फंक्शन आएगा वो एप टी फंक्शन का क्या हो जाएगा लपलस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा नव लैपलस ट्रांसफॉर्म के इस डेफिनेशन के बेस पे हमने कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लैपलस ट्रांसफॉर्म निकाल लेते थे और लिनियरिटी प्रॉपर्टी पड़ी थी तो so, ये स्टेबल में हमारे पास कुछ एलिमेंट्री फंक्शन है और जिनके लैपलस ट्रांसफॉर्म दिए गए हैं और साथ में हमारे पास लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैपलस ट्रांसफॉर्म लप्लस ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी फंक्शन जहाँ वेयर ए एंड बी आर टू ए लैपलस ऑफ एप टी प्लस बी लैपलस ऑफ जी टी सो नाउ इज द टाइम टू वर्कआउट ऑन समॉब्स जिनमें हमें लैपलस ट्रांसफॉर्म निकालना होगा और उन लैपलेस ट्रांसफॉर्म को निकालने के लिए हम ये जो लैपलस ट्रांसफॉर्म की टेबल हैं और जो लिनियटी प्रॉपर्टी हैं वो अप्लाई करेंगे सो हेयर कम्स द प्रॉब सेट फाइंड लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ एप टी वेयर एप टी इज Uh, पहले प्रॉब्लम में एफ टी इज ए माइनस बी टी होल स्क्वेयर वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स सेकेंड प्रॉब्लम एफ टी इज इक्वल्स टू कॉस टी माइनस साइन टी स्क्वेयर प्रॉब्लम थ्री कॉस स्क्ड उमेगा टी वेयर ओमेगा इज अ कॉन्सटेंट प्रॉब्लम फोर साइन उमेगा टी प्लस थीटा वेयर उमेगा एंड थीटा आर अंस्टेंट्स एंड प्रॉब्लम फाइव हप्प्लिक को साइन टू टी ओके सो so, ये हमारे पास पांच फंक्शंस एफ टी हैं इनका हमें लपलस ट्रांसफॉर्म निकालना है आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सो लेट अस टेक दीज प्रॉब्लम्स वन बाय वन सो पहली प्रॉब्लम हमारे पास जो एफ टी फंक्शन है वो है ए माइनस बी टी होल स्केड जहाँ ए और बी क्या है कॉन्स्टेंट है और हमें इसका क्या निकालना है लाप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है सो लेप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए माइनस बी टी होल स्क्वायर ना एक तरीका तो वही है वो ये है कि हम लेप्लस की डेफिनेशन लगाएं इमप्रॉपर इंटीग्रल की मदद से ये हमारा एपटी हो जाएगा इंटीग्रेट करके इस फंक्शन का लाप्लस ट्रांसफॉर्म निकालें पर अगर हम यहाँ देखें t t जो फंक्शन है t रेज टू द पावर n इसका हम लेप्लस ट्रांसफॉर्म जानते हैं a और b यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं और हम एक चीज़ और जानते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी है लीनियर टी प्रॉपर्टी सो सो लीनियर टी सो लेप्लस ऑफ लीनियर टी प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम इस स्क्वेयर ब्रैकेट को खोलते हैं तो so ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्र प्लस बी स्क्ट टी माइनस टू ए बी टी और अब इन तीन फंक्शंस में हम लेनियरटी प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा लेप्लस ऑफ ए स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वन हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ गया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लेप्लस ऑफ वन प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा लैप्लस ऑफ टी एंड देन माइनस टू ए बी की तरह बाहर और ले ऑफ टी हमने लिनियर प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे लेप्लस ऑफ वन हम जानते हैं लेप्लस ऑफ वन होता है वन बाई एस प्लस बी स्केयर लेप्लस ऑफ टी स्केयर ना हम जानते हैं कि लेप्लस ऑफ टी रेज टू द पावर एन ये होता है फैक्टोरियल एन बाई एस रेज टू द पावर एन प्लस वन जब भी एन हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और यहाँ पे टी स्क्वायर एन पॉजिटिव इंटीजर है एन की जगह हमने टू रखा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल टू ओवर एस रेज टू द पावर टू प्लस वन माइनस टू ए बी अगेन लेपलेस ऑफ़ टी और यही हमला लगेगा एन की जगह वन तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल वन ओबर एस रेज टू द पावर वन प्लस वन सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा ए स्केरड ओबर एस प्लस टू बी स्केयर ओबर एस क्यूब माइनस टू ए बी ओबर एस स्केर तो सिकंड प्रॉब्लम लेते हैं और हमारे पास जो एप्टी फंक्शन है हमें लेपल निकालना है कॉस टी माइनस साइन टी होल स्क्र न इस फॉर्म में हम कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं जानते हैं पर हम कॉस टी का भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म जानते हैं साइन ए टी इसका भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म जानते हैं नौ हम थोड़ा रिकॉल करते हैं कि अगर इस किस्म के फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करते हैं टिग्नोमेट्री लगाते हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाते हैं तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म भी बेसिकली इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फॉर्म में डिफाइन डिफाइंड है सो so, ये हो जाएगा कॉस स्केर टी प्लस साइन स्केर टी माइनस टू साइन टी कॉस टी नाव दिस इज इक्वल्स टू लैप्लस ऑफ कॉस स्क्र टी प्लस साइन स्क्वायर टी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये क्या हो जाता है वन हो जाता है साइन टी कॉस टी हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ टू टी नाव इज दट टाइम टू अप्लाई लिनियोरिटी प्रॉपर्टी सो ये हो जाएगा लैप्लस ऑफ वन माइनस लैप्लस ऑफ साइन टू टी फंक्शन

हमें लाप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है एप्टी फंक्शन कॉस स्केयर उमेगा टी जहाँ उमेगा जो है वो कांस्टेंट है नाउ अगेन अगर हमें कॉस स्केयर उमेगा टी का इंटीग्रेशन निकालना है तो हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉमुला नहीं होता है तो हम टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं और कौन सी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं हम और हम ये फॉर्मला जानते हैं कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू होता है टू कॉस स्केयर थीटा माइनस वन तो अगर हम इसको कॉस स्क्यर थीटा के लिए सॉल्व करें तो ये हो जाता है कॉस स्क्र थीटा इज इक्वल टू वन ओवर टू इनसाइड ब्रैकेट वन प्लस कॉस टू थीटा ना हमारी प्रॉब्लम में थीटा की जगह उमेगा टी है तो ये हमने टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई और हमारे पास ये हो गया लेप्लेस ऑफ कॉस स्क्यर उमेगा टी की जगह हो जाएगा

प्लस ऑफ कॉस टू ओमेगा टी नाउ दिस इज इक्वल्स टू वन ओवर टू लेप्लस ऑफ वन इज वन ओवर एस एंड प्लस लेप्लस ऑफ कॉस टू ओमेगा टी नाउ हम जानते हैं कि लेप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एटी होता है एस ओवर एस स्क्ट प्लस ए स्केट यहाँ पे एक ही जगह है, टू ओमेगा हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा लेप्लेस ऑफ एस ओबर एस स्क्ट प्लस फोर ओमेगा स्केट और ये हमारे पास लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हो गया कॉस स्केयर ओमेगा टी न फोर्थ प्रॉब्लम ले रहे हैं और हमें लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ये हमारा एफ टी फंक्शन है जहाँ और थीटा क्या है कॉन्सटेंट्स हैं ना हमारे पास साइन ओमेगा टी के लिए तो फॉर्मूला है डायरेक्ट हमारे पास लप्लस ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला है पर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है राइट जहाँ ओमेगा थीटा क्या है हैं सो अगेन हम टिग्नोमेट्री लगाएंगे इंटीग्रेशन की तरह डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम टिग्नोमेट्रिक साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे सो दिस वन इज इक्वल टू लेपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए साइन उमेगा टी यू गॉट इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस उमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा नाउ थीटा और उमेगा कॉन्स्टेंट्स हैं तो कि थीटा कांस्टेंट है तो कॉस थीटा भी कांस्टेंट होगा और साइन थीटा भी कांस्टेंट होगा इस स्टेप पर हम लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा एक ही जगह बाहर आ गया ट्रांसफॉर्म ऑफ उमेगा टी देन प्लस साइन थीटा कॉन्स्टेंट बी बाहर आ गया और ये हो जाएगा लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी नाउ दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा लेप्लस ऑफ साइन ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा कांस्टेंट देस ट्रांसफॉर्म ऑफ ओमेगा सो ये हो जाएगा एस ओवर एस स्क्ट प्लस ओमेगा स्केट और ये हमारे पास हो गया लेप्लस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का लेप्लस ट्रांसफॉर्म फिफ्थ प्रॉब्लम हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है एफटी टी फंक्शन का जहाँ एफटी फंक्शन है हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर टू टी नहीं हाइपरबोलिक कॉस टू टी के लिए हमारे पास फॉर्मला है बट स्क्ड फंक्शन के लिए फॉर्मला नहीं है तो सबसे पहले हम हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे सो ये हो जाएगा लैपलेस ऑफ हम जानते हैं कॉस हेपबली कॉस ऑफ ए टी होता है ई रेज टू द पावर ए टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ए टी होल ओबर टू सो यहाँ पर हमारे पास हेपली कॉस टू टी है ए की जगह टू है तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर टू टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस टू टी ओवर टू और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे अब हम स्क्वायर को खोलेंगे तो ये हो जाएगा लेप्लस ऑफ वन बाई फोर वन बाई टू का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास ई रेज टू पावर टू टी का स्क्वायर ई रेज टू द पावर फोर टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस टू टी का स्क्वायर माइनस प्लस 2 e raised to the power 2t multiplied by e raised to the power minus 2t and this one is equal to linearity property 1 by 1 over 4 outside Laplace operator or it will Laplace of e raised to the power 4t plus e raised to the power minus 4t e raised to the power प्लस टू ई रेज टू द पावर टू टी माइनस टू टी नाउ दिस वन इज अगेन लीनियर टी प्रॉपर्टी वन ओबर फोर इन सब में कॉमन है वो बाहर आ गया ये हो जाएगा लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर फोर्टी प्लस लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस फोर्टी प्लस टू कम्स आउट साइड रेज टू द पावर टू टी माइनस ई जी ई रेज टू पावर जीरो हो जाएगा ई e की पावर जीरो मतलब वन सो so ये हो जाएगा लप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन हम जानते हैं कि लप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज दावर ए टी होता है वन बाई एस माइनस ए सो यहां हमारे पास हो जाएगा लप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर फोर्टी की जगह हम लिखेंगे वन ओवर एस माइनस फोर प्लस लेप्लस ऑफ ई रेज पावर माइनस फोर टी तो यहाँ एक ही जगह माइनस फोर है तो ये हो जाएगा वन बाई एस माइनस माइनस फोर तो ये हो जाएगा एस प्लस फोर एंड देन प्लस टू लेप्लस ऑफ वन क्या होता है वन बाई एस तो ये जो एक्सप्रेशन आया ये हमारे पास है Laplace ऑफ hyperbolic cosine square स्केयर टू टी